मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद पाकिस्तान में इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो बढ़ती जा रही है और हालात जो हैं एक ऐसे नहज की तरफ जा रहे हैं जिससे कि लगता है कि मामला शायद हो सकता है कि को कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले जाए बज़ाहिर देखने में तो बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया पर आप देख रहे होंगे के बातचीत चल रही है बिलावल साहब का भी आज एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई और उसमें उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ नहीं चलेंगे और लेकिन वो हकूमत साजी में उनकी मदद करेंगे लेकिन हकूमत में शामिल नहीं होंगे यानी दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं के मजदाक वो बात की गई है यानी दूसरे अल्फाज में आप क्यों कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि हुकूमत में शामिल ना हो, लेकिन ज़िम्मेदारी भी है, अगर हो भी जाए तो ज़िम्मेदारी उन पर ना मिले और उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी ना आए और इस हवाले शहर गालिबा वो सदारत के उम्मीदवार जो हैं वो जरदारी साहब जो हैं जिसके बारे में पीपल्स पार्टी उनसे बात कर रही है और सुनने में ये आया है कि किसी हद तक मुस्लिम लीग नवाज सरदारी साहब के लिए राजी भी हो चुके हैं लेकिन कुछ मामला जो सरे अभी आपको मीडिया पे नजर आ रहे हैं ऐसे नहीं है पसे पर्दा बहुत सारी बातचीत जो है बैक चैनल पर भी चल रही है उस बैक चैनल के अंदर बिलाशुबा पीपल्स पार्टी भी है ऑन बोर्ड है और उसके अंदर पी एम एल एन भी ऑन बोर्ड है उसमें कहीं पी टी आई के लोग भी ऑन बोर्ड हैं और दूसरी जमातें भी ऑन बोर्ड हैं और पसे पर्दा कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से कोई एक हकूमत जो है इस तरह बना ली जाए कि मौजूदा जो एक क्योस जो पैदा होने जा रहा है मज़ीद उससे बढ़ा जाए इन तमाम चीज़ों से बचने की खातिर गालिबा एक पी डी एम टू जिसके बारे में मैं कहता रहा हूँ शायद कोई ऐसी हुकूमत बनाएंगे लेकिन मैं समझता हूं कि पीडीएम 2 टू का कोई फार्मूला जो है वो शायद कामयाब ना हो लेकिन बहरहाल कोशिशें की जा रही हैं और इसी हवाले से चौरी शिवाज सैन साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर सियासतदान हैं पोलिटिशन हैं उनकी रहायश के ऊपर आज इन सब का इकट्ठ हो रहा है और जो मेरे पास इतलात है वो यही है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब कोशिश ये करेंगे कि किसी न किसी तरीके से इनको आर्जी तौर पर एक पी डीएम टू की तर्ज के ऊपर कोई ऐसा एक अलाइंस बनाकर इन सबको हुकूमत पर राजी कर लिया ताकि जो पोलिटिकल जो एक इंतशार की सूरत हाल है इसका खात्मा हो अच्छा अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो मैं समझता हूं कि ठीक है ये इनकी एक कोशिश ज़रूर है लेकिन इसका मैं समझता हूँ कि खातिर ख़्वा नतीजा नहीं निकलेगा उसकी वजह यह है Uh, कि आपने uh, जो कौम का जो एक मैंडेट था जो एक अवाम का मैंडेट था उसको इन्होंने चुराया और न सिर्फ चुराया और जिसकी वजह से न सिर्फ कौम के अंदर मायूसी हुई और बल्कि पूरे पाकिस्तान को इसका uh, बड़ा भारी जो है नुकसान उठाना पड़ा और पड़ेगा इस पर अरा ग़ौर कीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ और पड़ेगा भारी नुकसान जो उठाना पड़ा वो ये के हालात मुल्क के मज़ीद सियासी अवतर हुए स्टॉक मार्केट गिरी डॉलर्स का आप देखें रोड कहाँ जो है मतलब उसकी रोड मैप देखें अगर डॉलर का तो किधर से किधर हो रहा है और आगे पीछे आगे पीछे एकदम उसके अंदर जो फ्लैक्चुएशन आ रही है तो वो अगर आप देखें उसको और कारोबार के रोड मैप को देखें तो आपको बहुत नज़र आएगी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हुई तो मैं समझता हूँ कि इनको कोई ऐसा एक हल निकालना होगा और जो मैं समझ पाया हूँ जो मेरा तजिया है वो ये है कि इन्हें चाहिए इस्टबलिशमेंट को चाहिए कि कम अज़ कम वह तमाम सियासी जमातों को आ, के साथ बैठें या उनको ऑन बोर्ड करें और जो कुछ गलतियाँ हुई हैं जो भी एक हुआ है पोलिटिकल इंजीनियरिंग की तो हर सबको पता है हम कहते रहें कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है आ, उस पोलिटिकल इंजीनियरिंग को आ, एक हद तक दुरुस्त करने की कोशिश करें ज़ाहिर सी बात है एकदम तो नहीं हो सकता मतलब कोई अलादीन का चिराग तो नहीं कि बटन दबाया और वो जिन हाज़िर हो गया उसके लिए है कि एक बतदरीज जो है बात करके इनको अतमाद में लिया जाए और आस्ते आस्ते जो हैं जो हकीकी जो नुमाइंदे हैं जिस पार्टी को मिले हैं वो सीट्स उनको दी जाए और उसी तरह जो है इनको कहा जाए कि बदतवी जो अपने हकूमती मामला को चलाएं और उसके लिए मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद एक बेहतरीन फेस सेविंग जो है वो अदलिया है लेकिन मुझे ये तो मैंने वो बात बताई है ना जो कि मैं चाहता हूँ कि अमन के साथ एक मामला हो जाए वहाँ अदलिया के साथ चले आए अदलिया उनको फैसले देते रहे और अदलिया जो है फिर एलेक्शन कमीशन को कहे और साथ में जो आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अपने जो है मतलब किरदार इस्तेमाल करें मैं खुलकर बात कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन को और उनको कहें कि जो गलत फैसले उन्होंने किए हैं उस हवाले से वो मामला को दुरुस्त करने की कोशिश करें ये वो है बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो कि मुल्क को एक क्यो से या सियासी इंतशार से निकालने के लिए ज़रूरी है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह ये कर लेंगे मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा करेंगे क्योंकि मेरे पास जो इतलात आ रही हैं वो इतलात ये हैं कि कुछ लोग ये फ़ैसला कर चुके हैं वो ये समझते हैं कि शायद हम दो तीन हफ़्ते के अंदर शायद कोई वज़ोर शमशीर या बज़ोर बंदूक इन तमाम मामला को दुरुस्त कर लेंगे तो मैंने आज पहले भी कहा और आज भी कहा है दोबारा मैंने कह रहा हूं कि ये जो है कि इनकी फिर बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि लचक जो है होनी चाहिए अगर लचक नहीं होगी तो फिर सियासत हो नहीं सकती चाहे अगर को, कोई भी हो मामला चाहे इस्टबलिशमेंट हो चाहे जो कोई भी हो और अभी आप देखें ना कि जैसे एक सख्त मौकफ था पीपुल्स पार्टी का बिलावल साहब कहते थे कि नई चुनो नई सोच को आखिरकार उन्होंने पुरानी सोच वालों से तो उन्होंने फिर बातचीत शुरू कर दी तो इसी तरह इस्टबलिशमेंट को भी देखना चाहिए कि जो आवाम के जो राय आई है उसके ऊपर फैसला करें तो ये तो मैंने वो आपको एक सूरत हाल बताई जो कि इस वक्त मौजूद है और जो इनको करना चाहिए इस तमाम सूरत से निकलने के लिए लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो फिर होगा क्या होगा ये कि पाकिस्तान के लिए जैसा मैंने कल भी कहा था कि बहुत बड़ी मुसीबतें जो है ना पाकिस्तान के लिए ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है उसकी वजह यह है कि आपने कल मैंने आपको बताया था कि बैरूनी ममालिक से जो इन पर दबाव आ रहा है ख़ासतौर पर जो बरतानवी वज़ी खाजा का एक स्टेटमेंट आया और उसके बाद आपने देखा होगा कि मैथ्यू मिलन का एक स्टेटमेंट आया और तौर पर जो अमरीकी तर्जुमान ने जो एक बयान दिया है और यूरोपियन यूनियन के जो बयान आ रहे हैं और जो रिमार्क्स आ रहे हैं ये जो है रिमार्क्स कोई पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है कई बड़े तजये नगार वो कह रहे हैं कि नहीं ये एक नॉर्मल सी बात है कई भी लोगों ने मुझसे कहा आज भी कुछ लोगों की मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि नहीं जी मतलब इट्स वेरी नॉर्मल ये मतलब इनके बयान आते रहते हैं इसको आप अहमियत ना दें लेकिन मैंने उनको ये कहा कि आपकी बहरहाल सोच होगी लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये नॉर्मल नहीं है और ये बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं और मैं एक लफ्ज़ उसको मैंने इस्तेमाल किया था कि अब वो उन्होंने ये रिमार्क्स जो है ना उसके ऊपर उन्होंने जो गैर मुल्की ताकतें हैं खासतौर तो पर अमेरिका यूरोपियन यूनियन उन्होंने एक पोजीशन ले ली है पोजीशन लेने का मतलब ये होता है कि अड़ जाना मतलब किसी बात के ऊपर वो पोजीशन उनकी ये है कि उन्होंने कहा है कि जनाब हम ये चाहते हैं कि जो लोग जीते हैं या जिनके पास मैंडेट है जो अक्सरती पार्टी है साफ सुथरे जो इलेक्शन जिसके जिसके जरिए आवाम जिसको मुंतखब करें हम उन्हीं के साथ काम करेंगे ये एक बहुत बड़ी ठीक थी, ठाक एक ओपन एक पोजीशन है और साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं वो ढोंग हुए हैं और इसके अंदर एक किस्म का जिसे कहते हैं फ्रॉडिएंट इलेक्शन जो है वो हुआ है तो ये जो कहना किसी मुल्क के लिए आ, और एक जगह से नहीं दो तीन जगह से ये बात आना ये किसी न किसी अहम सूरत हाल को वाज करता है आ, मैं समझता हूं कि हमारी स्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ पे गौर करना होगा और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी खलफशार इतना है आ, क्या हम आ, इसके मुतमिल हो सकते हैं कि हमारे पास बैरूनी सतह पर भी हमें आइसोलेट किया जाए अब वो लोग जो कि इमरान खान को कहीं ना कहीं इस बात का ताना दिया करते थे खासतौर तो पर ये पीडीएम वाले और हमारी कुछ स्टेबलिशमेंट के लोग भी कहते थे जब इनकी बात आती थी वो कहते थे कि इमरान खान साहब की पॉलिसी बड़ी गलत रही थी उन्होंने आइसोलेट कर दिया तो भाई आपने आइसोलेट कर दिया वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को दोबारा खड़ा कर दिया सोलह महीने की जो कारकर्दगी थी पीटीएम की वो कहते हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया हमने पाकिस्तान को पता नहीं कहा जाहनम में जाने से बचा लिया वह अरशे बरी पर उसको ले आए तो जब वो ले आए थे तो फिर आज ये सब क्या हो गया आज जो मैं देख रहा हूँ सूरतयाल तो पाकिस्तान अर्शे बरी तो नहीं है पाकिस्तान तो बिल्कुल नीचे आ गया और टोटल आइसो मैं अगर आपसे कहूं कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है तो इसमें कोई मुजायका नहीं होगा ये जो आप जो इस वक्त जो देख रहे हैं बैरून अवी जो दबाव आ रहा है ये इसको आप मामूली ना समझो और ना ही ये पीछे छोड़ेगा दबाव आपका उसकी एक वजह यह है कि मैंने पहले भी आज से कई आ, माँ पहले जो है हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है इनको मैंने कहा था कि देखिए आप ये जो तरीक़ेकार कर रहे हैं आपने टोटल जो एक बाजू मड़ोने का जो सिलसिला शुरू किया ये ठीक नहीं है इसको आप दुरुस्त करें और बैरुमल्क जो पाकिस्तानी डाइसफोरा है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है आप पाकिस्तानी डाइसफोरा को जो बैरू मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं उनकी बड़ी पोजिशन है और सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है ख़ासतौर पर यूरोप में अमेरिका में उनका एक पोलिटिकल मतलब वो है एक उनकी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है और वो वहाँ के जो मामलात हैं उसके ऊपर वो बड़ा असर रखते हैं जैसे कि मैंने कल कहा था कि अमेरिकन सेनेटर्स वगैरह ने कहा इवन यूरोपियन यूनियन ने कहा और भी कई मुल्कों से बात आ रही है मां सिवाय एक दो ममालिक जो छोटे ममालिक हैं जिनके ऊपर के बस हमारे यहाँ कुछ हेलो हाय होता रहता है तो बड़ी ताकतें तो ये इस चीज़ को बिल्कुल ख़तरी तौर पर ना पसंद करेंगी और ना पसंद कर रही हैं और ना पसंद करेंगी यानी इन फ्यूचर भी आप ये ना समझें कि शायद वो कोई बयान दे के वह हट जाए ऐसा नहीं होगा अगर पाकिस्तान ने इस मामला को दुरुस्त नहीं किया तो मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों को इशू बनाकर हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर फिर कोई ना कोई पाबंदियां या बारगो ना लगना शुरू हो जाए तो क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वो देखते रहे हैं और पीटीआई के हवाले से आप देखें कि जो इंतबात हैं उसके अंदर आप देखें कि पीटीआई को कितना पीछे किया गया है लेकिन सूरत हाल जो मैं देख रहा हूं आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसमें तो यही है अभी तक के ये लोग मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सबक नहीं सीखा क्योंकि आज मैंने दोबारा देखा कि जो हाईकोर्ट हैं उन्होंने जो कुछ मुकदमत थे जो सुनने थे उन्होंने उनको उन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि नाकाबिल समात है तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो रही है और अगर इस तरीके से अदालतें अगर नज़रअंदाज करती रहीं तो फिर वो जो फॉर्म 45 फाइव हैं वो तो फिर मैं, आप रद्दी की टोकरी में उन्हें फेंक दें और लेकिन इसका खमियाजा जो है ना मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बहुत भुगतना पड़ेगा और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा है भाई आरजी तौर पर हुकूमत बन जाए आ, तो फिर मामला आगे चले और लेकिन अगर वो बन जाती हुकूमत चले अच्छा है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हुकूमत बनेगी उसको कम से कम जिम्मेदारी लेनी होगी मतलब इस तरह नहीं होगा कि मतलब मैं अगर कोई कदम उठा लूं तो मैं जिम्मेदार नहीं आप कदम उठा लें तो मैं जिम्मेदार नहीं जिस किस्म की इस वक्त सियासी पार्टियां जो इनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं और जो सारे मामला चल रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि ये सीरियस हैं और अभी भी आप देखेंगे कि उखाड़ पछाड़ जो है वो सियासी जमातों के अंदर अभी भी चल रही है पाकिस्तान के जो हालात हैं बलुचिस्तान में आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है सरहद में क्या सूरत हाल है ऐसी सूरत हाल के अंदर तो हमारे सियासतदानों को भी बड़ी मैं समझता हूँ कि बालग नजरी का मुजाहरा करना होगा लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा गया है बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ठीक है अली अमीन गंडापुर किसी पस में तो आप ये कह सकते हैं कि वो हार्ड लाइनर हैं और इमरान खान के बड़े मतलब काबिल भरोसा हैं लेकिन मैं मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसके ऊपर मुझे कोई एतराज़ नहीं है उसकी वजह यह है कि जिस सूरत हाल से इस वक्त पी टी आई के लोगों को और पूरी पी टी आई को पाकिस्तान में जिस सूरत हाल से मुश्किल सूरत हाल से गुजारा जा रहा है उसमें इनको ऐसे ही लोग चाहिए जो कि इमरान खान के बातमाद हों और थोड़े से हार्ड लाइनर हों क्योंकि जो आपके मद्दुमकाबल हैं जो पीटीआई के मुकाबले हैं जो पीटीआई के के खिलाफ कारोबार कर रहे हैं कारोबार सियासत चला रहे हैं मेरी मुराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूम से और दूसरे से मुस्लिम लीग को कम तो नहीं है हर वो आ, उठा पटाख और मार जिसे कहते हैं ना तीन पांच में वो भी कम नहीं है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर सामने कहीं ना कहीं आपकी स्टेब्लिशमेंट के बीच लोग हैं जो भरपूर तरीके से पसबरदा सियासी किरदार अदा कर रहे हैं तो उनके सामने आपको एक सख्त आदमी चाहिए अगर यहाँ पर ये यह आप जैसे किसी ने कही थी वो बात मैं इससे बड़ा मुतमिन हूं कि अगर अगर खैबर पख्तूनखा के अंदर सारे इंजीनियर और प्रोफेसर और पढ़े लिखे और मिसाल के तौर पर यूरोपियन यूनियन की तरह या ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह अगर वहाँ पर अगर एम बैठे होते तो ठीक है फिर वहां के लिए तो फिर अली अमीन गंडापुर का इंतबाब ठीक नहीं है लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही मैं समझता हूँ उस लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और एक और ख़बर ये भी है मैं भी रसपत मेरा तजय यह है कि जो वैदिन के साथ जो इन्होंने अलायंस किया ये बहुत अच्छी बात है मैं इसको खुशाइन समझता हूँ लोगों ने मुझसे पूछा था क्योंकि तकरीबन दो हफ्ते पहले मैंने खुद कहा था इनको कि वैदुलमुसलम के जो राजा नासिर साहब हैं अमामा राजि नासिर साहब वो मुखलिस हैं वो न सिर्फ़ मुखलिस इमरान खान के साथ हैं बल्कि वो पाकिस्तानी कौम के साथ भी मुखलिस हैं और तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये ये जो एक बनाया है उन्होंने लाइंस ठीक है अच्छा है और ये भी आपको बता दूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि अगर उनके पास अगर पंजाब के अंदर वो नहीं है अगर कोई नुमाइंदगी तो वो उनके साथ पी नहीं जा सकती ये गलत है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन और जो मौजूदा सूरत हाल है मैं समझता हूँ अगर उनके अंदर पंजाब के अंदर उनकी नुमाइंदी नहीं भी हो तो ये पी जो है उनके साथ जा सकती है और मरकज़ में तो खैर उनकी नुमाइंदगी है ऑलरेडी एक से मौजूद है तो मेरे नजदीक मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छा फैसला होगा लेकिन बहरहाल आखिर में मैं इस वक्त ये एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान एक हकीकत में इस वक्त एक बहुत बड़े खतरनाक मोड़ पर आ गया है पहले तो हमेशा कहते हैं साठ साल से ही कहते रहे पाकिस्तान तो हमेशा रहाई खतरों में आपको पता है पाकिस्तान को तो आज से किसी ने भला चाहे ही नहीं लेकिन आज इस वक्त जो एक सूरत हाल से गुजर रहा है ये इतहाई ख़तरनाक है अगर हमारी स्टैबलिशमेंट ने अगर होश के नाखून ना लिया और जैसा कि कहा जा रहा है कि दो ढाई हफ्ते के अंदर हम ताकत से दबा लेंगे अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो फिर मैं आपसे यकीन बता रहा हूँ कि या इन्होंने माशाला लगाया क्योंकि मुझे लग रहा है कि सूरत हाल माशाला की तरफ जा रही है ये बात आपको बता रहा हूँ मुझे कुछ लोगों ने बताया है जो बाफ़ाना हाल है वो कहते हैं कि वो हम जो है हो सकता है माशा लगाते हैं अगर इन्होंने माशाला लगाने की कोशिश की तो यकीन करें मैं आपसे कहता हूँ खाकिम मदान पर पाकिस्तान लफा फिर टूट जाएगा ये वो मशन करें दोबारा जो इन्होंने नाइनटीन सेवनटी वन के अंदर की थी ये मेरा मशवरा था अगर आप समझते हैं कि ये बात सही है तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मेरी रहनमई कीजिएगा आज के की लिए इतना ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़